पुरी, दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान राष्ट्रपति जैकब नुमा के परिजन और वर्ल्ड बैंक के पूर्व डायरेक्टर हांस पाई जून ने ग्रस्त जीवन त्याग सन्यासी बनने की ठानी और वे भारत आ गए। शनिवार को जुहून शिवपुरी के भदैया कुंड स्थित प्राचीन मंदिर पर पहुंचे और यहां विभिन्न धर्म गुरुओं की उपस्थिति में सन्यास दीक्षा ग्रहण की। अब वे सन्यासी सोहनपुरी बन गए हैं। कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे हार्वर्ड बीबी से पीएचडी के बाद जुहून ने विभिन्न देशों में महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी। बहौल, जुहून ने फ्रांस, स्विट्जरलैंड, यूएन में पेट्रोलियम कंपनी में शीर्ष पदों पर पदस्थ रहे और वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जुहून ने बताया कि उन्होंने गीता, बाइबल, कुरान, तमाम धर्म ग्रंथों का गहन अध्ययन किया है, लेकिन वे गीता से खासे प्रभावित हुए। संन्यास लेने का विचार जब उन्होंने अपनी पत्नी जूडी जुहून को बताया तो जूडी ने भी न केवल सहमति दी बल्कि वे भी उनके साथ शिवपुरी आ गई। दक्षिण अफ्रीका के वर्तमान राष्ट्रपति जैकब नुमा के परिजन और वर्ल्ड बैंक के पूर्व डायरेक्टर हांस पाई जुहून ने ग्रस्त जीवन त्याग सन्यासी बनने की ठानी। IN7 न्यूज़ के लिए शिवपुरी से राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट।